देखो सारी कैसे बर्फ जमी हुई है ना, ये तो निकल गया भैया, हम कैसे निकलेंगे। इतना बड़ा पत्थर है बताओ। ये देखो ये सारे एप्पल के ट्रीज है। तो हमें वहाँ हमटा पे तो कुछ मिला नहीं, तो हमने सोचा कि यहीं पे पास में ही है गुलाबा ना, जहाँ हम ठहरे हैं नेहरू कुंड में। तो हमने सोचा गुलाबा जाए वहाँ देखाते हैं कि कैसा है। बादल तो इस तरफ, बादल इसी तरफ है, गुलाबा की तरफ ही है जो वहाँ से दिख रहे ना। हमने कहा चलो एक बार गुलाबा देख लेते हैं, किस्मत में हुआ तो मिल जाएगा कुछ ना कुछ, नहीं मिला तो भी हम खुश। वाह क्या शायरी ना, क्या शायरी। और ये देखो दोनों मजे में। यशमित कहाँ बैठा है? यार मैं फंस गया। कपड़े ही तुम्हें पहनने। क्या कर रहे हो बच्चे लोग? मस्ती। मस्ती में क्या पता नहीं। वो उधर देखो कुछ है सामने। ये कोठी नाम की जगह है और यहाँ से आगे है गुलाबा बोल रहे हैं। और ठंडी है, बर्फ बर्फ नहीं है, बर्फ इस पर ही ना पड़ी ही नहीं अभी तक मनाली में। चांसेस लग रहे हैं इधर देखो बादल। हाँ, आ भी रहे हैं बादल लग रहे हैं। ये देखो लिखा हुआ है ना आई लव कोठी, उल्टे उधर से दिखाई देगा। देखो कितने सुंदर सुंदर से पहाड़ है ना, कुछ डिफरेंट है ये पहाड़ ना, देखो पता रहे। गुलाबा ना बहुत सुंदर जगह है, मतलब आप भी अगर प्लान करो ना कि हम मनाली के आसपास वाले इलाकों में घूमेंगे, तो मुझे हमटा पास तो कुछ खास नहीं लगा, बहुत अजीब सा लगा मुझे। लेकिन गुलाबा इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, सुंदर जगह है गुलाबा। हालांकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा होटल्स वगैरह अभी दिखाई नहीं दिए, हमटा पास के रास्ते में थे, लेकिन वैसे सुंदर है। पता नहीं आगे शायद गुलाबा पहुंच के होंगे होटल्स, यहाँ पर तो नहीं है, रास्ते में तो नहीं है। फोन दो थोड़ा। बाकी ना ये गुलाबा की जो रोड है ना, ये थोड़ी सी डेंजरस है, जगह जगह से रोड ना धसी हुई है और कंस्ट्रक्शन चल रही है, नहीं निकलेगी रवि गाड़ी कहाँ से निकलेगी, मुश्किल है, नहीं पॉसिबल ही नहीं है, मुश्किल छोड़ो पॉसिबल ही नहीं है। यार उधर खाई थी पता है। ये देखो ये जगह जगह से ना रोड ना धस गई है, शायद अभी पिछले मंथ जो बर्फ बर्फ पड़ी थी उस वजह से कुछ तो लोचा हुआ है। सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे मैंने टेम्परेचर चेक किया था कि गुलाबा में देखते हैं क्या है, तब -25 दिखा रहा था। अब तो पता नहीं, अब भी इस वक्त भी होगा -15 तो होगा ही कि नहीं। ये रोहतांग है ऊपर, पूछा था हमने लोकल लोगों से ना। हाँ वो रोहतांग पास है जहाँ पे वो बर्फ पड़ रही है ना। यार ये ट्रक वाला कितना धुआं छोड़ रहा है। धुआं नहीं छोड़ रहा, धूल मतलब मिट्टी है, मिट्टी उड़ा रहा है ना। हाँ इसको ना कुछ बोलना है कैमरे। वो देखो सामने कैसे बर्फ जमी हुई है ना, देखो सारी कैसे बर्फ जमी हुई है ना। चलो आगे चलो थोड़ा। धूप तो है नहीं यहाँ पे और माइनस में टेम्परेचर है, तो जो वो पानी रिस रहा है पहाड़ में से ना वो जम रहा है साथ साथ। हाँ बेटा मैं किसी से भी नहीं मिल सकता, मैं बालों को तो देखूं,
to that Baba Phuket. You smell that. क्या बोलता है ये वो एक ऐड है ना जेट पावर पॉकेट की अच्छा उसकी स्मेल बाय बाय मम्मा की एक्टिंग ये पता है यशमित का क्या है सीन ये कहाँ से निकाल रहा है ये अल्टो वाला कहाँ जा रहा है तो निकल गया भैया हम कैसे निकलेंगे और सामान भर रही है ना ट्रेन 3:30 बज रहे हैं देखो 3:30 बजे क्या हाल है यहाँ पे बर्फ ही नहीं पड़ रही बस नीचे हो जाता तो कैसे निकल गई ना वो कच्चे रास्ते से वैसे तो ना यहाँ पे एक और जगह क्या बताई उसने गढ़ की क्या नाम था मणि मणि हाँ वहाँ पे है बर्फ पर वो बहुत ऊपर है अभी ना टाइम कितने 4 बज गए हैं तो हम ऑलरेडी लेट हैं क्योंकि अब ऐसे रास्तों पर ना आप देखो गुलाबा तक की कैसी रोड है अगर हम आगे और मणि जाते हैं ना तो वो यहाँ से 20 किलोमीटर और है तो भैया पहुँचते पहुँचते ही अंधेरा हो जाएगा फिर वापस कैसे आएंगे और रोड जगह जगह पे ना धंसी हुई है ये रिपेयर वर्क इसीलिए चल रहा है और हमारे पास हाफ एन आर ही है बस हाँ अभी हम ये देख रहे हो आप कैसे रोड है ही नहीं धसी हुई है, रही है रोड रिपेयर वर्क तो रात को तो फिर ना मुश्किल हो जाएगा ना ऐसी जगह पे ड्राइव करना कुछ भी नहीं है ना कोई कैफे गुलाबा, ना कुछ कोई मतलब गुलाबा जैसे हमटा पास जगह जगह मैगी चाय हाँ यहाँ नहीं है यहाँ लोग कम जाते हैं टूरिस्ट प्लेसेस में कोठी तो है बट गुलाबा का नाम कम ही आता है पर बहुत ही पीसफुल सी जगह है हाँ देखो बर्फ के पास तो पहुंच गए हो व्यूज देखो आप सुंदर सुंदर बहुत ही सुंदर ये शायद हम आ गए ये हम पहुंच गए गुलाबा गुलाबा माउंटेन और यहाँ आने के लिए कोई परमिट नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए आगे बंद है आगे जाने ही नहीं दे रहे हैं हम सोच रहे थे मणि मणि ही जो भी नाम है जगह का लेकिन देखो आगे बंद ही किया हुआ है आगे नहीं चला जाने दे रहे बस यहीं पे रुक जाओ ये व्यू पॉइंट है यहाँ पे रुक के तो कह रहे हैं आगे तो बंद है रास्ता क्योंकि रोहतांग भी आ जाता है ना इधर से अपना पीछे खड़ा हुआ है सरकार ये है मेरे ख्याल से रोहतांग यही है रोहतांग जो वहाँ से हमें दिख रहा था वो यही है यहीं पे बर्फ़ पड़ रही है ऊपर जो पड़ रही है ये रोहतांग जाने वाला रास्ता है जो बंद कर रखा है यहाँ से हम आगे नहीं जा सकते तो इस गुलाबा में लास्ट पॉइंट है माड़ी गांव में अगर आप रहते हो माड़ी गांव में तो आप जा सकते हो नहीं तो नहीं देयर इज़ नो चांस ये सुलभ शौचालय है इफ़ यू वॉन्ट टू गो यू कैन गो आफ्टर कमिंग टू दिस प्लेस ये हमारी गाड़ी रही और बच्चे ये देखो अभी जैसे हम गुलाबा आए थे रास्ते में कोई कैफे नहीं था कुछ नहीं था तो ना ऐसी चीजें साथ होनी चाहिए एप्पल था और ये मेरे पास एप्पल कटर इससे एप्पल काटो और खा लो आराम से और प्लीज गार्बेज बैग जरूर होने चाहिए गाड़ी में गंद इधर उधर नहीं फेंकते अमेजोन से आप बाय कर सकते हैं इसको ये देखो ये रोड का काम हो रहा है ना यहाँ पर तो अभी ये शायद चले गए हैं जो यहाँ काम कर रहे थे लोग कोई है ही नहीं और ये रास्ते में पत्थर पड़े हैं यहाँ से तो गाड़ी निकलेगी नहीं पत्थर अब रवि खुद ही हटाने गए हैं यार ये जो मतलब तुम जा रहे हो तो कम से कम इतने बड़े बड़े पत्थर वो तो करके जाओ साइड पर वो इतना बड़ा पत्थर है बताओ दीदी मेरा रूम कहाँ है इवेलन के आग वाले रूम में लेके जाओ इतनी नैरो रोड है
कहाँ नहीं गए हम एडवेंचर करने। चलो भाई लोगों, गुलाबा से गुलाबा को हम टाटा बाय करते हुए वापस जाते हुए और आप जाएंगे वापस होटल और खाना खाएंगे। बाय बाय फ्रेंड्स, आज का वीलॉग हम यहीं खत्म कर रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर का होगा तो हम अटैच कर देंगे। क्या भाई सर, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लव अस, प्लीज डू लव अस। हचमिति गेम में लगा हुआ, यशमित आज यूजुअल गेम खेल रहा है। देखो कैसे लड़ाई कर रहा है दीदी साथ। चलो जी बाय बाय, वापस जा रहे हैं मनाली गुलाबा से। देखो ये जहाँ हम नेहरू कुंड में ठहरे हैं ना, यहाँ पे ना ये सारे एप्पल के ट्रीज हैं, लोगों के पर्सनल ऑर्चर्ड्स हैं यहाँ पे, एप्पल ऑर्चर्ड्स। ये देखो ये सारे एप्पल के ट्रीज हैं। और यहाँ पे ना आपको बड़े एम्पल ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये देखो अमृत मनाली, हाँ ये आगे माउंटेन विला आ रहा है, यहाँ भी रुक सकते हो आप। हालांकि मुझे पता नहीं अंदर से कैसे हैं ये वाले होटल, लेकिन यहाँ पे बहुत ऑप्शंस हैं। और दो रास्ते हैं, एक तो बुरवा वाले ब्रिज से आप आ सकते हो, एक नेहरू कुंड वाले ब्रिज से आप अंदर आ सकते हो। सारे मतलब जून जुलाई में तो एप्पल्स ही एप्पल्स होते हैं यहाँ पे ना। ये भी है, ये क्या नाम है इसका, बुरवा ब्रिज। हाँ इधर इधर भी देखो ना, हाँ ये वाला होटल, ये नया बना है, लास्ट टाइम तो नहीं था। वेलकम होटल, ये नया बना है। हाँ वेलकम होटल, ये भी अच्छा है, यहाँ रह सकते हैं हम नेक्स्ट टाइम, अच्छा लग रहा है ना। ये भी कुछ होम स्टे टाइप्स है, और सारे होटल्स में ना एप्पल ऑर्चर्ड है ना। और अगर सोलांग वैली में बर्फ पड़ी तो समझ लो यहाँ तो पड़ेगी। हाँ अगर सोलांग में बर्फ पड़ेगी ना, तो क्योंकि यहाँ से सिर्फ 7-8 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर, हाँ सॉरी सॉरी, बुरवा से, हाँ यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर ही है सोलांग, और वहाँ बर्फ पड़ती है तो नेहरू कुंड में भी पड़ती है। हम रास्ते में रुके थे एक कैफे में खाने के लिए, ये ना बंगाली है, तो इन्होंने ये मेन्यू में नहीं थी ये वाली डिश, लेकिन ये बना रहे थे फॉर देमसेल्व्स, हाँ अपने लिए। तो इन्होंने कहा कि आप ट्राई करना चाहोगे, तो हमने बोला कि ठीक है। ये कुछ बंगाली डिश है, इसका क्या नाम है मैं आपको पूछ कर बताती हूँ। ये तो मस्टर्ड सॉस है, इसमें टेस्ट आ रहा है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं ये लोग, आई डोंट नो। इसमें वेजिटेबल्स हैं सारी। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, वेजिटेबल चॉप। वेजिटेबल चॉप, तो बंगाली में चॉप बोल सकते हैं, और यहाँ पर लोग कटलेट बोले तो कटलेट। दिस इज विद शुगर, ओके दिस इज विदाउट शुगर, ओके। कैसे सर, अच्छा, माइंड गोइंग। ये हाईलैंड पार्क है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी ना कॉटेजेस बने हुए हैं बहुत सारे, ये मेन रोड से भी दिखता है, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, अंधा कैमरा हो गया है। ये वो है रिवर साइड, प्योर रिवर साइड है। क्या था, पार्कलैंड,